Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And in this series of discussing various educational thinkers, this time I am going to discuss with you the educational philosophy of Jiddu Krishnamurti, or you can say the views of Jiddu Krishnamurti on education. So let's start. जिड्डु कृष्णमूर्ति जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे सुनेंगे तो आप बहुत इनसे प्रभावित होंगे. ये मतलब एक वीडियो के अंदर कितनी पीपीटी बनाए और बहुत लेंदी हो जाता है तो कई चीजें रह जाती हैं, पर कुछ वर्बली आपको बताना चाहूंगी कि थियोसोफिकल सोसाइटी की के ने इनको एडॉप्ट किया था और उसी में ये पले बढ़े और इनको एनी बेसेंट ने मतलब इनको जो थियोसोफिकल सोसाइटी थी उनकी उसमें इनको एडॉप्ट किया गया था और उस हिसाब से फिर इनका पालन पोषण हुआ. बाद में खैर उस सोसाइटी से अलग हो गए. तो ये एक बेसिक इनके पीछे एक बात जो इन वीडियोस में नहीं है, पीपीटी में नहीं है. तो अगर इनको जानेंगे आप तो बहुत इनसे प्रभावित होंगे. क्या ये कहते थे, क्या शिक्षा के बारे में इनके विचार थे, क्यों ये इतने फेमस हैं. और एक और बात जो पीपीटीज में मिसिंग है वो ये कि इन्होंने विश्व भर में अपने स्कूल खोले, है ना. जैसे कि भारत में कई सारे, उसके अलावा इंग्लैंड में, अमेरिका में और बहुत स्कूल, और वहीं उन्हीं स्कूलों में आते जाते और आखिरी में 90 साल तक की उम्र तक, लेट 90s तक जब तक ये जीवित रहे तब तक ये जो इनकी विचारधारा थी उसको अपने स्कूलों के थ्रू, उनके द्वारा प्रचारित प्रसारित करते रहे. तो जिड्डू कृष्णमूर्ति इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स एंड रिलीजियस टीचर्स ऑफ ऑल टाइम. ये खास बात इनके संग जुड़ी हुई है कि ये रिलीजियस टीचर के रूप में विख्यात हुए. और ये मतलब जैसे लोग बचते हैं अपने आप को रिलीजियस टीचर कहने से कि हमको तो सेक्युलरिज्म रहना, हमको तो धर्म निरपेक्ष रहना है, ऐसा कुछ. खैर ये बात अलग है कि किसी धर्म विशेष की बात ये नहीं करते थे, सिर्फ धर्म की बात करते थे. तो जानते हैं क्या कहा इन्होंने. ही स्पोक थ्रू आउट द वर्ल्ड टू लार्ज ऑडियंसेस एंड टू इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग राइटर्स, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स एंड एजुकेटर्स अबाउट द नीड फॉर ए रेडिकल चेंज इन मैनकाइंड. दुनिया भर में इन्होंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की. वो नॉर्मल लोग थे, वो लेखक थे, वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, शिक्षक थे, शिक्षाविद थे. और ये बात क्या करते थे कि हमको मैनकाइंड में जो मानवता है उसमें रेडिकल चेंज की आवश्यकता है. कृष्णमूर्ति वॉज कंसर्न विद ऑल ह्यूमैनिटी एंड स्टेटेड रिपीटेडली दैट ही हेल्ड नो नेशनैलिटी और बिलीफ एंड बिलोंग टू नो पर्टिकुलर ग्रुप और कल्चर. इन स्पाइट ऑफ दिस कि वो रिलीजियस टीचर के रूप में विख्यात हैं, वो हमेशा लोगों से यही कहते थे कि उनकी कोई राष्ट्रीयता नहीं है, कोई ऐसा खास संस्कृति समूह या विश्वास नहीं है जिससे वो बिलोंग करते हैं. नेचर ऑफ एजुकेशन पे इन्होंने क्या कहा, हमको मेनली उनके एजुकेशन पे ही विचार चाहिए. तो एजुकेशन वॉज सीन एज टुवर्ड्स द फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द फुल ह्यूमन बीइंग. इनके हिसाब से जो शिक्षा थी, शिक्षा है, वो कैसी होनी चाहिए कि पूरे ह्यूमन बीइंग का पूरा विकास शिक्षा को करना चाहिए. फ्रॉम द फुल बॉडी ऑफ हिज वर्क वी कैन कंक्लूड, अगर उनके हम लेखों को देखें, उनकी बातों को सुने, तो हम पाएंगे कि कृष्णमूर्ति जी के हिसाब से एजुकेशन क्या है, एजुकेटिंग द होल पर्सन, यानी कि व्यक्ति के जितने पार्ट्स हैं, जैसे मन, बुद्धि, मस्तिष्क, विवेक, जितना भी माइंड, बॉडी, स्पिरिट की बात आप करते हैं, सबका हमको एजुकेट, सबको एजुकेट करना है, पहली बात. दूसरी, एजुकेटिंग द पर्सन एज ए होल, नॉट एज एन असेंबलेज ऑफ पार्ट्स. मतलब जैसे ये नहीं कि पूरा व्यक्ति को उसकी टोटैलिटी में हमको एजुकेट करना है, ये नहीं कि सिर्फ कई सारे पार्ट्स का समागम व्यक्ति है, बल्कि उससे ज्यादा है. एंड एजुकेटिंग द पर्सन विद इन होल, और पर्सन को, एक जो व्यक्ति है उसको एक होल, होल क्या है कि वो सोसाइटी का हिस्सा है, वो ह्यूमैनिटी का हिस्सा है, वो नेचर का हिस्सा है, उस नेचर के में एक होल की, विद इन ए होल, विद इन ह्यूमैनिटी, विद इन नेचर, विद इन सोसाइटी हमको पर्सन को एजुकेट करना है. तो एजुकेटिंग द होल पर्सन, एजुकेटिंग द पर्सन एज ए होल, एजुकेटिंग द पर्सन विद इन ए होल. From which it is not meaningful to extract that person. मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोसाइटी से अलग व्यक्ति की कोई आप पहचान या अस्तित्व देख सकते हैं. Education is not about preparation for only a period of life. उन्होंने कहा शिक्षा का ये अर्थ नहीं है कि जीवन के सिर्फ कुछ हिस्से की तैयारी है, but it is about preparation for the whole of life. बल्कि शिक्षा संपूर्ण जीवन की तैयारी है. एंड द डीपेस्ट aspects ऑफ लिविंग, और जीने के लिए जो सबसे गहरे aspect की हमको जरूरत होती है उससे शिक्षा का सरोकार है. अगर इनके इनके तहत, इनके हिसाब से एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन की बात देखें तो ये तीन एलिमेंट्स की बात करते हैं. कौन कौन से, पहला ये कहते हैं द इंटेंशंस ऑफ एजुकेशन.
तो इंटेंशंस ऑफ एजुकेशन, मतलब किसके लिए शिक्षा, शिक्षा का इंटेंट क्या है, ये कह रहे हैं कि चिल्ड्रेन मस्ट बी एजुकेटेड राइटली. सबसे पहली बात तो बच्चों को सही तरीके से शिक्षित किया जाए, एजुकेटेड सो दैट दे बिकम रिलीजियस ह्यूमन बींग. साफ साफ कह रहे हैं कि शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को, जो बच्चों को धार्मिक मनुष्य बनाने में हेल्प करे. एजुकेशन मस्ट बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ करेक्ट एक्शन, द डेप्थ एंड ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप एंड द सेक्रेडनेस ऑफ ए रिलीजियस लाइफ. वो कह रहे हैं कि शिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए, करेक्ट एक्शन, हम जो काम करें सही काम करें, समझ के करें, और जो रिलेशनशिप है उसकी हम डेप्थ को, गहराई को, ब्यूटी सुंदरता को समझें, और एक रिलीजियस लाइफ की सेक्रेडनेस बरकरार रहे, मतलब कि जो पवित्रता होती है, जो सैंक्टिटी होती है धार्मिक जीवन की, वो शिक्षा उस पर आधारित होनी चाहिए. मियरली टू कल्टिवेट टेक्निकल कैपेसिटी विदाउट अंडरस्टैंडिंग वॉट इज ट्रू फ्रीडम लीड्स टू डिस्ट्रक्शन. वो कह रहे हैं कि अगर शिक्षा ऐसी हो कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे के अंदर तकनीकी क्षमता का विकास कर रही है, उसकी समझ नहीं डेवलप कर रही है, व्हाट इज ट्रू फ्रीडम ये नहीं बता रही है, तो वो शिक्षा किधर ले जाती है, विनाश की ओर ले जाती है. लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, टू ग्रेटर वॉर्स, वो युद्धों की तरफ ले जाती है. एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. उस समय भी ये ऐसा चल रहा था, उन्होंने कहा यही है जो संसार में हो रहा है, कि शिक्षा से हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं. मियरली टू स्टफ द चाइल्ड विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन मेकिंग हिम पास एग्जामिनेशंस इज द मोस्ट अनइंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशन. ये 1948 में वो कह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि आप शिक्षा बच्चे को सिर्फ और सिर्फ सूचना से भर दे रहे हैं इतना कि वो किसी परीक्षा को पास कर ले, तो ये शिक्षा का सबसे मूर्ख तरीका है, अनइंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशन. कृष्णमूर्ति ऑफन स्टेटेड, अच्छा अगर पर्पस ऑफ एजुकेशन इनके हिसाब से देखें तो ये कहते थे पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, इज टू ब्रिंग अबाउट फ्रीडम. फ्रीडम की देखिए बहुत बात की इन्होंने, कि स्वतंत्रता मिले, प्यार मिले, द फ्लावरिंग ऑफ गुडनेस, अच्छाई की के पुष्प खिले, है ना. मस्ट बी द इनर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लिबरेशन ऑफ द ह्यूमन बींग एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, और जो समाज है उसका पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए. फॉर जिड्डू कृष्णमूर्ति द इंटेंशन ऑफ एजुकेशन मस्ट बी द इनर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लिबरेशन ऑफ द ह्यूमन बींग. जिड्डू कृष्णमूर्ति जी के हिसाब से जो शिक्षा का इंटेंशन क्या होना चाहिए, कि व्यक्ति का इनर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अंदर से हमारे अंदर बदलाव आए, हमको स्वतंत्रता की भावना, मुक्ति की भावना ह्यूमन बींग में आए, एंड फ्रॉम दैट, और उससे क्या होगा कि सोसाइटी में भी ट्रांसफॉर्मेशन संभव है. एजुकेशन इज इंटेंडेड टू असिस्ट पीपल टू बिकम ट्रूली रिलीजियस. वो कह रहे हैं शिक्षा का कार्य है, शिक्षा का इंटेंशन क्या है, कि वो व्यक्ति को पूरी तरीके से धार्मिक बना दे. इसके अलावा जो दो इनके एलिमेंट हैं, पहला तो इंटेंशंस ऑफ एजुकेशन हो गया, दूसरा द फिजिकल नेचर ऑफ द प्लेसेस ऑफ एजुकेशन, किस जगह शिक्षा दी जाएगी, वो कौन सा फिजिकल प्लेस होगा, उसकी बहुत बात की इन्होंने. और आप अगर इनके स्कूल्स देखेंगे, ऋषि वैली स्कूल और बहुत सारे स्कूल जो हिंदुस्तान में बनाए हैं उन्होंने, आप देखेंगे कितनी बड़ी और शांत, प्रकृति के समीप की खूबसूरत जगह है वो. तो फिजिकल नेचर में भी वो तीन एलिमेंट की बात करते हैं. पहला क्या, द एस्थेटिक्स, सौंदर्यात्मक भाव होना चाहिए उस स्थान पे जहां शिक्षा दीक्षा चल रही है, विच इंक्लूड्स ऑर्डर, ऑर्डरली अरेंजमेंट, हो हैपहज़र्ड ना हो. इट इज इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट बिकॉज इट इज प्लीजिंग बट बिकॉज सेंसिटिविटी टू ब्यूटी इज रिलेटेड टू बीइंग रिलीजियस. ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आपको सुख देगा, आपको प्लीजेंट लगेगा अगर एस्थेटिक सेंस है उस जगह में, इसलिए भी कि ब्यूटी के प्रति सेंसिटिविटी आपको धार्मिक बनाती है या उसका धार्मिकता से सरोकार है. एंड इंडिस्पेंसेबल टू द हेल्दी ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड. और अगर हम चाह रहे हैं कि बच्चे का अच्छा स्वस्थ विकास हो, उसके लिए भी जरूरी है. फिर वो कह रहे हैं कि फिजिकल नेचर जो है वहां पे कुछ स्पेशल एरियाज होने चाहिए. क्यों होने चाहिए, जहाँ की बच्चा जो छात्र है वो शांति से बैठ सके, सो दैट दे कुड ऑब्जर्व देयर थॉट्स, क्योंकि वो अपने आप को समझ सके, अपने विचारों का प्रेक्षण कर सके. एंड द एटमोस्फेयर ही फेल्ट शुड प्रिवेल एंड विच ही यूजली स्पोक ऑफ एज पार्ट ऑफ द फिजिकल नेचर ऑफ द सेंटर्स. और एटमोस्फेयर भी बढ़िया होना चाहिए, और एटमोस्फेयर बनाएगा कौन, बच्चे, जो जितने भी लोग उस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं वो सब वहां का एटमोस्फेयर बनाएंगे. फिर ये बात कर रहे हैं द पार्टिसिपेंट्स इन एजुकेशन. तो पार्टिसिपेंट्स इन एजुकेशन में एजुकेटर भी आएगा, एजुकेंट भी आएगा, मतलब शिष्य भी आएगा, शिक्षक भी आएगा. वन थिंग दैट डिस्टिंग्विशेस पार्टिसिपेंट्स इन एजुकेशन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स इन सम अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस इज दैट पीपल मस्ट हैव रिलीजियसनेस सेंट्रल टू देयर ओवरऑल इंटेंशन एंड सेंट्रल टू द नेचर ऑफ द लाइफ दे लिव्ड ऑन अ डेली बेसिस. वो कह रहे हैं कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन और किसी और सामाजिक संस्था और विद्यालय में ये अंतर है,
कि जो विद्यालय में से जुड़े हुए लोग हैं उनके उनका कोर सेंट्रल फोकस क्या होना चाहिए, रिलीजियसनेस होना चाहिए, बिकॉज ही इज डिवोटेड सोलली टू द फ्रीडम एंड इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल. क्योंकि वो पूरी तरीके से किसके लिए डिवोटेड थे, कि व्यक्ति को सही मायने में फ्रीडम मिले, इंटीग्रेशन हो, एकीकरण हो जाए व्यक्ति का. द राइट काइंड ऑफ एजुकेटर इज डीपली एंड ट्रूली रिलीजियस. वो कह रहे हैं कि सही शिक्षक वही है जो पूरी तरीके से, गहराई से, सच्चाई से धार्मिक होगा. ही डज नॉट बिलोंग टू एनी सेक्ट, टू एनी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन. ही इज फ्री ऑफ बिलीव्स एंड बिलीव्स एंड रिचुअल्स. और बार बार धर्म की बात कहने के बावजूद भी इनके लिए धर्म का अर्थ बहुत व्यापक था. किसी विशेष धर्म की बात नहीं करते थे, सिर्फ कहते थे व्यक्ति अपने आप को समझ जाए, सही मायनों में फ्रीडम को समझ जाए, वही सच्चा धार्मिक व्यक्ति है. फिर अगर फंक्शंस ऑफ एजुकेशन की बात करें इनके हिसाब से, तो ये क्या कहते थे शिक्षा का कार्य क्या होना चाहिए. द फंक्शन ऑफ एजुकेशन देन इज टू हेल्प यू फ्रॉम चाइल्डहुड नॉट टू इमिटेट एनीबडी बट टू बी योरसेल्फ ऑल द टाइम. वो कह रहे हैं शिक्षा ऐसी हो जो आपको किसी का अनुकरण करने के लिए ना बताए, बल्कि आप स्वयं जो हैं वही रहें. सो फ्रीडम लाइज, इनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ भी बहुत व्यापक था. इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, हर क्षण हम क्या हैं ये समझ हमको होनी चाहिए. To understand life is to understand ourselves. इससे भी और बड़ी बात ये कहते हैं कि जीवन को समझना हो तो हमको खुद को समझना होगा. अगर हम खुद को समझ जाएंगे तो जीवन को समझ जाएंगे. And that is both the beginning and the end of education. और यही शिक्षा की शुरुआत भी है और अंत भी है. मॉडर्न एजुकेशन इज मेकिंग अस इनटू थॉटलेस एंटिटीज. और ये कह रहे हैं जो आजकल शिक्षा चल रही, मतलब वो भी अपने समय की शिक्षा से परेशान थे, संतुष्ट नहीं थे, और कह रहे थे ये जो शिक्षा है वो हमको विचार विहीन बना रही है. It does very little towards helping us to find our individual vocation. ये बहुत कम हमको मदद करती है कि हम अपने व्यवसाय को चुन सकें. To find out what you really love to do is one of the most difficult things. ये सबसे कठिन होता है, एक बहुत कठिन चुनौती होती है जो ये पता चल सके कि हम actually क्या करना चाहते हैं, क्या करने में हमको अच्छा लगता है. That is part of education. ये शिक्षा का भाग है. Right education is to help you to find out for yourself what you really. वो कह रहे हैं सही शिक्षा वो है जो हमको ये चुनने में मदद करे कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा दिल क्या करना चाहता है, हम किसको करने में हमको खुशी मिलती है. It does not matter what it is. इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा काम है. वो गार्डनिंग का काम हो सकता है, कारपेंटरी का काम हो सकता है, बट वो जो भी काम होगा उसमें हम अपना दिल, दिमाग, मस्तिष्क सब लगाएंगे. इट इज द फंक्शन ऑफ एजुकेशन. ये शिक्षा का काम है मियरली टू हेल्प यू टू कंफॉर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस रॉटन सोशल ऑर्डर. सिर्फ शिक्षा का काम ये नहीं है कि जो भी सामाजिक क्रम चला आ रहा है हम उसको उसी तरह से फॉलो करते चलें. और इज इट टू गिव यू फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम टू ग्रो एंड क्रिएट अ डिफरेंट सोसाइटी, अ न्यू वर्ल्ड. जबकि शिक्षा का क्या काम है कि हम स्वतंत्रता को समझें, स्वतंत्रता के सही अर्थ को समझें, ग्रो करें और एक अलग प्रकार के समाज का निर्माण करें. वी वॉन्ट टू हैव दिस फ्रीडम नॉट इन द फ्यूचर बट नाउ, अदरवाइज वी मे ऑल बी डिस्ट्रॉयड. वो कह रहे हैं कि इस तरीके की स्वतंत्रता की हमें बहुत आवश्यकता है और भविष्य में नहीं, तुरंत आवश्यकता है, और अगर हमको वो नहीं मिली तो हम सब नष्ट हो जाएंगे. ये उन्होंने कहा. और क्या कहा उन्होंने, बहुत सारी अच्छी बातें, इसलिए मैंने सब इसमें लिख लिया है कि आप जितना याद कर सकें, जितना नोट डाउन कर सकें, जितना समझ सकें. वी मस्ट क्रिएट इमीडिएटली एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम, ये तो उन्होंने बताया. फिर ये कह रहे हैं कि वो आदमी जो लगातार सोचता नहीं है, लगातार प्रेक्षण नहीं करता है, लगातार सीखता नहीं है, वो कभी सच को नहीं पा सकता है. कह रहे हैं शिक्षा का अर्थ है कि हमको बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी, हमारे अंदर कि वो भय को डिस्ट्रॉय कर दे. वो कह रहे हैं सही शिक्षा का अर्थ है कि हमारी होलनेस को कल्टीवेट करें, हमारी टोटैलिटी ऑफ माइंड, हार्ट और माइंड और हार्ट को समझे, है ना. और राइट एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ नोइंग एंड सेल्फ डिस्कवरी. और इनके हिसाब से सही शिक्षा क्या है, जो व्यक्ति को स्वयं को जानने और स्वयं की खोज में मदद करेगी, या उसी की प्रक्रिया है. His teachings, अगर उनके शिक्षण की बात करें, क्या उन्होंने सिखाया, उनकी teachings क्या थी, तो he reminded his listeners again and again that we all are human beings first and foremost and his teachings reflect the entirety of the human experience. वो बार बार यही कहते रहे कि हम पहले मनुष्य हैं, सबसे पहले मनुष्य हैं, फिर बाद में कुछ और हैं, हिंदू, ईसाई, सिख, है ना, मुस्लिम. एंड और उनकी शिक्षक जो शिक्षण था वो भी यही इसी मानव अनुभव की व्याख्या करता है. द कोर ऑफ कृष्णमूर्ति's टीचिंग इज कंटेन्ड इन द स्टेटमेंट ही मेड इन 1929 व्हेन ही सेड. अगर उनके शिक्षण का हम जिस्ट जानना चाहें तो 1929 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वहां से निकल के आता है कि ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड. इन्होंने कहा जो सत्य है उसका कोई मार्ग नहीं है ना वहां तक पहुंचने का. क्या कह रहे हैं ये कि मैन कैन नॉट कम टू इट थ्रू एनी ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू एनी क्रीड, थ्रू एनी डॉगमा, प्रीस्ट और रिचुअल.
वो कह रहे हैं सत्य तक पहुंचने के लिए आपको किसी संस्था, किसी मत, किसी पुजारी, किसी रिचुअल की जरूरत नहीं है। कैसे पहुंचेंगे आप? ना ही आपको किसी भी प्रकार के दार्शनिक ज्ञान या मनोवैज्ञानिक प्रविधि की जरूरत है। ही हैज टू फाइंड इट थ्रू द मिरर ऑफ रिलेशनशिप। वो कह रहे हैं सच आप कैसे जानेंगे, जब आप सत्यता से रिलेशनशिप निभाएंगे, थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट्स ऑफ हिज ओन माइंड। आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, उसकी आपको समझ हो जाएगी थ्रू ऑब्जर्वेशन, जब आप सही तरीके से प्रेक्षण करना सीख जाएंगे। और इसके लिए आपको किसी बौद्धिक विश्लेषण या इंट्रोस्पेक्टिव डिसेक्शन की जरूरत नहीं है। और क्या कहा टीचिंग पे उन्होंने, उन्होंने कहा कि स्टूडेंट और टीचर दोनों साथ साथ सीखते हैं, इसलिए स्टूडेंट भी है वो भी इक्वल पार्टनर है। उन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज हमको ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए बच्चों को जिससे वो यूनिक ह्यूमन बीइंग के रूप में विकसित हों। दे थिंग्स शुड नॉट बी इम्पोज ऑन हिम, उनके ऊपर कुछ थोपा ना जाए बल्कि उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए कि वो स्वयं डिस्कवर करें और अपने पोटेंशियल को पहचाने, उसको निखारें। टू एजुकेट द स्टूडेंट राइटली इज टू हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड द टोटल प्रोसेस ऑफ हिमसेल्फ। और ये बच्चा कब कर पाएगा, जब वो खुद स्वयं को समझ पाएगा। फॉर इट इज ओनली वेन देर इज इंटीग्रेशन ऑफ द माइंड एंड हार्ट इन एवरी डे एक्शन। और कब होगा ये, जब उनके हर काम में उनके दिल दिमाग का एकीकरण हो जाएगा तब। अगर उनकी एजुकेशनल फिलोसफी के बारे में बात करें तो बहुत उन्होंने कहा कि जो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन, उनके हिसाब से शिक्षा और दर्शन में कोई अंतर ही नहीं है। उन्होंने कहा दोनों एक ही हैं और दोनों का काम मनुष्य के अंदर फंडामेंटल चेंज लाना है। और फंडामेंटल चेंज क्या था, कि ह्यूमन माइंड को एब्सोल्यूटली और अनकंडीशनली फ्री कर दिया जाए। तो उनके शैक्षिक दर्शन की मुख्य बातें क्या है, स्पिरिचुअलिज्म, वो आध्यात्म की बात की उन्होंने, सेल्फ कंपेशन और गुडनेस की बात की, ह्यूमेनिज्म पे बहुत बल था, मानवतावाद पे, क्योंकि मानव के लिए ही उन्होंने सब कुछ कहा है। फिर उन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की कि बच्चा जो है वो इक्वल पार्टनर है, उसको कोई आर्टिफिशियल टेक्निक से मत पढ़ाओ, उसको स्वयं खोज करने दो एंड ऑल। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की कि बच्चे को एक्सपीरियंस से सीखने दो, उसको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कराओ। फ्रीडम फ्रॉम कंडीशनिंग की बात की कि कंडीशनड मत करो बच्चे को, उसको खुद एक्सप्लोर करने दो कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत। और एक खास बात उन्होंने कही कि अनलेस द टीचर्स आर फिलोसोफर्स, जब तक जो शिक्षक हैं वो दार्शनिक नहीं होंगे, एजुकेशन कैनॉट अकॉम्प्लिश द टास्क ऑफ चेंजिंग मैन इन सोसाइटी रेडिकली एंड फंडामेंटली। तब तक शिक्षा जो है वो व्यक्ति को और समाज को बदलने का काम नहीं कर पाएगी। इसलिए जो एजुकेटर है उसको एजुकेट करना समाज का सबसे बड़ा और अर्जेंट और सबसे प्राथमिक काम है। तो इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत कितना कुछ मैंने इसमें से हटा दिया, थोड़ा सा जिस्ट रखा है कि फ्रीडम की बात, कैसा फ्रीडम, इनरनेस को समझना है, अपने आप को समझना है, खुद को समझना है, बच्चे पर कुछ थोपना नहीं है, उसको प्रकृति के समीप रखना है, उसको ब्यूटी का कंसेप्ट सिखाना है, उसको स्पिरिचुअल बनाना है, रिलीजियस बनाना है, और तब जबकि वो कह रहे हैं कि वो खुद किसी रिलीजन को मानने वाले नहीं हैं या नहीं थे, है ना। तो ये हैं, ये थे जिड्डू कृष्णमूर्ति और कुछ बातें जो पीपीटी में इंक्लूड की थी मैंने आपको बताई। तो ये नए थिंकर थे, तो आप इनके बारे में जानिए और इनसे जुड़े सवालों के सही सही उत्तर लिखिए। सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड वन मोर थिंकर जिड्डू कृष्णमूर्ति एंड हिज व्यूज ऑन एजुकेशन। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।